पाठ 10 पंजवी दी पंजाबी दा जो कविता है नाम है बोली है पंजाबी साड़ी। शुरू करते हाँ कविता। असी नहीं भुलानी एहो जिंद जान साड़ी, मोतियां दी खान साड़ी हथों नहीं गुआनी, बोली है पंजाबी साड़ी। बच्चो पंजाबी साड़े सारे पंजाबियां दी माँ बोली है। माँ बोली उसनू आखदे हन जो जमदिया ही सानू अपने माँ प्यो वालों जां परिवार वालों मिलती है। इसे मात भाषा विच ही असी सारे दुख सुख गिले शिकवे करते हैं, यानी कि जन्म तो मरण तक माँ बोली साडा अनिखड़वां अंग हुंदी है। कवि कहिंदा है कि यह पंजाबी बोली साडी जिंद जान है, साडे लई मोतियां दी खान है, मतलब साडे लई खजाना है। असी इस नूं भुलाउणा जां गुआउणा नहीं, सगों होर उचाइयां ते लै के जाना है कि सारे संसार विच पंजाबी बोली अते हरेक पंजाबी दी एक अलग पहचान कायम रहे। अगे है कवि पंजाबी बोली दी सिफत करदा, कहिंदा है यह साडी मिठी ते सुहावनी बोली सारे इकट्ठां दा मेलियां दा त्रिंजना दा शिंगार बनदी है। मिठी बोली होण दे नाल नाल यह वीर रस दियां वारां ते कवितावां विच भी जान पा दिंदी है। जोत ते कमाईयां विच जंगा ते लड़ाईयां विच एहो जिंद पाउनी बोली है पंजाबी साडी। साडी पंजाबी मिठी होण दे नाल नाल इन्नी दमदार भी है कि जंग दे मैदान विच ललकारे मार के ही दुश्मनां नूं भाजणा पा दिंदी है। अगे है फुल्लां दी क्यारी साडी सुखां दी अटारी साडी, भुल के नहीं ढाउनी बोली है पंजाबी साडी। ए साडी फुल्लां वर्गी नाजुक बोली जिस राही असीं सारे दुख सुख सांझे करदे हाँ, इस दी असी संभाल करनी है, ना कि इसनू टाल लानी है। इसनू होर चढ़दियां कला वाल ले जाना है, यानी होर विकसित करना है, हरमन प्यारी बनाना है, ते इस विच आ गई त्रुटियां दूर करनिया ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका रस माण सके। अगे बच्चे पाठ व्यास है साड़ी माँ बोली केड़ी है पंजाबी। कवि पंजाबी बोली नू किस चीज़ की खान मंदा है, मोतियां दी। त्रिंजन किस नू कहंदे हन, चरखा कतदियां इसरियां दे इकट्ठ नू त्रिंजन कहा जांदा है। अगे बच्चों पैरन पढ़ के क्वेश्चनां दे आंसर देने हन, जिन्हां विच है अपनी पंजाबी बोली लई सानू की करना चाहिदा है। बच्चों सानू हमेशा पंजाबी बोलना चाहिदा है, पंजाबी ही लिखनी चाहीदी है, पंजाबी ही पढ़नी चाहीदी है, इस नू कदे भुलाउणा नहीं चाहीदा। कवि पंजाबी बोली दी सिफत किवें करदा है, कवि पंजाबी बोली नू मोतियां दी खान कह के उसकी सिफत करता है। अगे बच्चे समानार्थक शब्द लिखने हैं, जिमें कोई शब्द है उसनू होर की कहा जाता है, जिमें खान, खान का मतलब भंडार, वार, दिन भी कह सकते हैं, जिमें वीरवार और हमला किसी ते वार करना, जंग लड़ाई, जिंद जान। बच्चे अगे शब्दों नूं वाकां विच वरतना है, जिमें त्रिंजन, कुड़ियां त्रिंजन च बैठियां कत भी रही सन ते कढ़ाई भी कर रही सन। वंजली, राम वधिया वंजली वजाउंदा है। क्यारी, क्यारी विच रंग बिरंगे फुल लगे हन। भंडार, इत्थे अनाज दे भंडार हन। तो बच्चों लैसन अपना और पाठ व्यास खत्म हुंदा है। धन्यवाद।